वेलकम बैक। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं राधा कृष्ण की होली खेलते हुए ड्राइंग, जिसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड ऐप से पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले पार्ट में, और फिर इसकी सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम जल्द निकालेंगे, जिसमें हम ऑयल पेस्टल का यूज करके कंप्लीट ड्राइंग करेंगे। इससे पहले भी हमने ऑयल पेस्टल के कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, वो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर इजली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वाली दे दी है, आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ऐप में एडिट कर लेंगे, जिसमें कि हमारा क्रॉप साइज और जो भी उसका ब्राइटनेस और जो भी आप अरेंज करना चाहते हैं वो अरेंज करके और ग्रिड को आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के स्पेस पे हमने मार्क किया है। तो यहाँ पे इस पेज पे भी हम 2 सेंटीमीटर के स्पेस पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि इस फिगर में भी टोटल 10 बॉक्सेज है 2-2 सेंटीमीटर करके, तो हम 2-2 सेंटीमीटर करके इसे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन 2-2 सेंटीमीटर के स्पेस पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं टोटल 7 बॉक्सेज होंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर के स्पेस पे हम मार्किंग कर लेते हैं पहले। ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1-10 और 1-7 मार्किंग है, तो वो हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10 इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्राइंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, आप ड्राइंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम कौन सा बॉक्स रेफरेंस पिक में चूज कर रहे हैं, और इस जहाँ हमें ड्रॉ करना है ऑन पेपर वो हमारा कौन सा बॉक्स है। जैसे कि इस ऐप में एक सुविधा दिया हुआ है, आप इसे रियल साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बॉक्स 2x2 का है, सेंटीमीटर का है, तो ये यहाँ इस रेफरेंस पिक का भी फिगर हमने 2x2 सेंटीमीटर के स्पेस पर कर लिया है, ताकि जब भी हम चाहे तो अगर टफ होता है तो मेजरमेंट टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। वो बताएंगे आपको कि मेजरमेंट टेक्निक क्या है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आउटलाइन ड्रॉ करना। जैसे कि हमने यहाँ पे एक चूज किया है, ये वाली आई को हम पहले ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके सुविधा के हिसाब से डिपेंड करता है, तो अपने हिसाब से वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3x3 बॉक्स चूज किया है, जो कि ये वाली बॉक्स है, और ऑन पेपर भी हम 3x3 स्पेस ये वाला चूज किए करेंगे। और ये हमारी इसकी रियल साइज है, जो कि हमें एग्जैक्ट ऑन पेपर और रेफरेंस पिक का साइज सेम होगा, जिससे कि हम एक्यूरेट और ज़्यादा एक्यूरेट हम ड्राइंग कर पाएंगे आउटलाइन की। तो स्टार्ट करते हैं 3x3 बॉक्स की। ये हमारी ऊपर से नीचे वाली 3 और लेफ्ट टू राइट हमारा 3 होगा, तो ऊपर से 3 और लेफ्ट टू राइट हमारा 3 ये बॉक्स है, और इसी बॉक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा हाफ है, यहाँ हाफ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हाफ हो जाएगी, और ये आईब्रो हमारा हाफ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है। तो बस ये ग्रिड लाइन ड्रॉ करने का मेन मोटो ये होता है कि हमें एक एग्जैक्ट रेफरेंस लाइन मिल जाता है, कि इस लाइन से हम कितना इस पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं और इस लाइन से कितना, ताकि हम उस पॉइंट को इजीली ड्रॉ कर सकें। जैसे कि ये हमने एक पॉइंट मार्क किया इस पॉइंट के रेफरेंस में, और फिर ऊपर वाले पॉइंट इस पॉइंट से यहाँ तक का एक रेफरेंस पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने अब मेजरमेंट किया इतना डिस्टेंस है, तो ये भी हमने मार्क कर लिया, यहाँ तक का हमारा ये वाला ऊपर का आईब्रो लाइन है, तो ये पॉइंट है कुछ, उसको हम मीट कर लेंगे। आईब्रो का एक स्पेस आइडेंटिफाई कर लिया, और अब हम इसकी इसी वाले एरिया में आई की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से शुरू है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप जब भी मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस इतना है, तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा। और नीचे से डिस्टेंस की बात करें तो ये है, तो हम इसे भी इतना मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ हमारा हो जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस आई के पार्ट का, से ड्रॉ करेंगे
और इस तरह से हमारा आई हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इंड पॉइंट आप इस लाइन के रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे है, तो ये हमारी आई हो गई ड्रॉ। और ये हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया, और ये थोड़ी सी डिटेल भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है, उस डिटेल को कवर करते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आईलाइसिस हो गया, काफ़ी इजी है। रेफरेंस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए हम ड्रॉ करना चाहें तो आउटलाइन काफ़ी इजी और एकदम परफेक्ट ड्रॉ हो सकता है। अब बात करते हैं इसके इस वाले बॉक्स में, जो कि हमारा टू एंड थर्ड है, उसे थर्ड और लेफ्ट टू राइट हमारा सेकंड बॉक्स होगा। इस वाले बॉक्स को हम देखेंगे तो यहाँ से इस तरह एक लाइन दिया हुआ है। अब आपको बेस लाइन प्रेजेंट करना आना चाहिए ताकि आप और इजीली इन बॉक्स भी ड्रॉ कर पाएँ। जब भी आप बेसिक शेप्स का यूज करेंगे तो का इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे आउटलाइन कोई भी बॉक्स का, और ज़्यादा डिपेंडेंसी भी हमारा ख़त्म हो जाएगा आउटलाइन पे। इस तरह से हमने एक ये ड्रॉ कर लिया फेस, और यहाँ से हमारा ये आईब्रो स्टार्ट हुआ है। आप चाहे तो मेजरमेंट टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इस और ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि हमें कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ से ये वाली आप पॉइंट देख सकते हैं, आधा से थोड़ा सा कम ही है, ये हमने आधा मार्क किया और ये उससे थोड़ा सा कम। आप चाहे तो एक और इसमें ऐप में सुविधा ये है कि आप क्रॉस लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला डायगोनल है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायगोनल आ जाता है, और चाहे तो आप और एक्यूरेट के लिए अपने डायगोनल लाइन को ड्रॉ करके उस डायगोनल लाइन को रेफरेंस मान के भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो डायगोनल लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं और चाहे अपने सुविधा के हिसाब से। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ, और हम नोज भी ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारा इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट वीडियो आप ऑब्जर्व करते जाइएगा। हम हर एक पार्ट को डिटेल में बताएंगे और जहाँ जहाँ नीड होगी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। ये पार्ट वन है जिसमें कि हमने आउटलाइन की ट्यूटोरियल बताई थी। इसकी सेकंड पार्ट निकालेंगे जिसमें कि हम इसकी कलर फिलिंग ऑयल पेस्टल से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।